नमस्कार छत्तीसगढ़, इस समय हम निर्वाचन कार्यालय रायपुर में खड़े हैं, जहां पर लोग यहां पर फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ गोविंद शर्मा जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 25 संत रामदास वार्ड से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। लगातार 15 साल से आप कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, तो गोविंद राम जी, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में तो मुद्दा बहुत कुछ है नहीं ज्यादा, क्योंकि हमारे वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद रहे, बहुत अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन कहीं कहीं खामियां रह गई, तो लोग उनसे नाराज हैं। इस वजह से हमारे वार्ड के जो बूथ कार्यकर्ता हैं और भी जो पब्लिक है, सब ने मुझे बताया कि भाई आप खड़े होइए, क्योंकि अभी सामान्य वर्ग से हमारा वार्ड आरक्षित हुआ है, क्योंकि और मैं सामान्य जाति से ही आता हूँ, इस कारण हमने दावेदारी की है और हमारी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। और विकास तो अभी हमारी सरकार है कांग्रेस की, बहुत ज़्यादा विकास होगा, और वर्तमान में भी हमारे वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था जो है थोड़ी कमज़ोर है, उसको हम दुरुस्त करेंगे, और बाकी जो आम जनता की जो भी रोजमर्रा की समस्याएं हैं उसको हम निरंतर दूर करने का प्रयास करेंगे। इस बार अगर मतलब आपका एक बड़ा वार्ड है, तो वार्ड के लिए अभी आप लोगों से मेलजोल होगा आपका, तो क्या लगता है इस बार क्या देखने को मिलेगा वार्ड में? अभी मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की, घर घर जनसंपर्क भी कर रहा हूँ, तो पब्लिक का रुझान है कि कांग्रेस को ही मत दिया जाएगा और आप निरंतर प्रयास में रहिए, लोग बोल रहे हैं हम आपका समर्थन करेंगे। वैसे आपके वार्ड में बिजली का मुद्दा भी था, उस पर क्या रहेगा अगर आप इस बार पार्षद पद के लिए लड़ेंगे चुनाव तो? नहीं, बिजली तो सरप्लस है, कहीं कहीं होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज की बात है, कहीं खराब होता है, तो लोगों में समस्या तो ये निरंतर आती रहेगी जाते रहेगी, और जहाँ जहाँ समस्या होगी उसको हम जैसे ही निर्वाचन खत्म होगा उसको तुरंत दुरुस्त कराया जाएगा। अभी वार्ड क्रमांक 25 के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को? वार्ड क्रमांक 25 के लोगों से यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हों, चाहे मुझे टिकट मिले या किसी और को भी मिले, हमारी पार्टी का समर्थन करें और कांग्रेस को विजयी बनाएं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार। जय जोहार।